दोस्तों नमस्कार, ये अमित गर्ग जी हैं जो कल 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और वहां का नज़ारा आपको दिखाया था। ये मीडिया की भीड़ है, मगर ये मीडिया की भीड़ पीएसएल की जो सुनवाई है उसके लिए नहीं आई है, ये आई है शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर, क्योंकि कल सुनवाई थी शारदा चिटफंड घोटाले में और यहाँ पर जितनी भी देश की मीडिया है सभी मीडिया सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठी थी। और हमारे अमित गर्ग जी जो भारतीय लोक सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव भी है और एडवोकेट भी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिन्होंने वहां का नज़ारा आपको दिखाया। तो दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूं कि पीएसएल में जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख थी कल, यानी कि 5 फरवरी को जो तारीख थी, उसमें क्या हुआ और आगे की तारीख कौन सी है, इस वीडियो को आप पूरी देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ और साथ में साइट पर भी ले चलूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पीएसएल में अब क्या होने वाला है, क्या कल कोई डिसीजन आया है या नहीं आया है, आखिर सुनवाई में हुआ क्या था कल। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आ चुका हूं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर और मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या पीएसएल की जो 5 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, अब कौन सी डेट लगी है, मैं ये आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा केस इन्फॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो केस स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। डायरी नंबर है, यहाँ पर डायरी नंबर हम लिख देंगे 35152, साल लिख देंगे 2015 और इसके ऊपर एक कैप्चा है, इस कैप्चे को हम फिलअप कर लें। यहाँ पर हमने 408 कैप्चा भरा, डायरी नंबर लिखा और ईयर से लिखा और सबमिट किया। कुछ प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद ये साइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये साइट ओपन हो चुकी है, पीएसएल लिमिटेड वर्सेस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/2/2019 की डेट यहाँ पर दिखा रहा है और आगे देख सकते हैं आप कि नोट टूडे ऑर्डर 5/2/2019। यहाँ पर 8/2/2019 यानी कि 8 फरवरी 2019 को अब सुप्रीम कोर्ट में पीएसएल का केस की सुनवाई होगी। इस केस में क्या होगा वो आप जान लीजिए, 8 तारीख को सुनवाई होगी। ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिखा दिया है क्योंकि दिखाना ज़रूरी है। बहुत सारे निवेशकों के फिर कमेंट्स आने लगते हैं कि आप अपने आप ही बताते रहते हो, प्रूफ तो दिखाते नहीं। तो ये प्रूफ है कि पीएसएल की जो अब सुनवाई है 8 तारीख को होगी। ये सुनवाई पीएसएल और सेबी के बीच में जो केस चला हुआ है उसकी सुनवाई 8 तारीख की है और सुब्रत भट्टाचार्य की जो सुनवाई है उसको भी 8 तारीख की ही सुनवाई है। और हम आपको बता देते हैं कि जो निवेशकों के प्रपोजल वाली बात है उसकी सुनवाई 7 तारीख को हो सकती है, 7 फरवरी को हो सकती है। अब 7 फरवरी यानी कि कल हो सकती है और 7 फरवरी को क्या होगा प्रपोजल के लिए, तो हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। दोस्तों जितनी भीड़ मीडिया की शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर है, उतनी भीड़ तो क्या इसमें से 2-4 मीडिया के लोग कभी भी पीएसएल या किसी भी अन्य चिटफंड कंपनी की न्यूज लेकर के नहीं आए हैं। किसी भी चैनल पर आपको न्यूज देखने को नहीं मिली होगी, ये बड़े दुख की बात है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मीडिया पीएसएल की न्यूज नहीं देती, जबकि शारदा भी चिटफंड कंपनी थी, चिटफंड कंपनी के लिए इतना कवरेज हो रहा है। यहाँ पर जो वकील साहब है वे बता रहे हैं, मगर हम इस वीडियो में शारदा चिटफंड की बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं अपनी पीएसएल की, जो आप लोग सुनना चाहते हैं। देखिए कल पीएसएल की सुनवाई हुई, सुनवाई में 8 तारीख लगा दी गई और 8 तारीख को सुब्रत भट्टाचार्य जी का भी केस होगा, उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी और साथ में पीएसएल सेबी का जो केस चलता हुआ आ रहा है उसकी भी सुनवाई होगी। मगर ऐसा सुनने में आ रहा है कि 7 फरवरी को यानी कि कल भी सुनवाई हो सकती है। ये सुनवाई हो सकती है प्रपोजल को लेकर, जो आप लोगों के प्रपोजल आए थे पीएसएल का पैसा वापसी देने के लिए, जो प्रपोजल आए थे उस प्रपोजल को लेकर भी सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि 5 तारीख को कुछ भी ऐसा सुनवाई में नहीं हुआ, केवल सुब्रत भट्टाचार्य जी की सुनवाई हुई और
एक एप्लीकेशन पीएसएल ने लगाई थी पहले, उस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब उस एप्लीकेशन में क्या था ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि पीएसएल ने कौन सी एप्लीकेशन लगाई थी और कब की एप्लीकेशन थी। हो सकता है एक साल पहले वाली कोई एप्लीकेशन हो या कोई अभी दो चार महीने पहले वाली एप्लीकेशन हो, इसका पूरा क्लियर नहीं हुआ है। मगर ये पता चला है कि जो पीएसएल ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब उस एप्लीकेशन में क्या लिखा है ये किसी को भी कुछ नहीं पता चला है। अब तो कल देखना पड़ेगा कि प्रपोजल के लिए सुप्रीम कोर्ट कल क्या जवाबदारी करता है, क्या आदेश देता है, या प्रपोजल के लिए भी ऐसा हो सकता है कि 7 फरवरी को ना होके 8 फरवरी को ही कोर्ट में कोई सुनवाई हो। तो ये क्लियर नहीं है, मगर ये क्लियर है कि 8 फरवरी को सुनवाई होगी। 8 फरवरी को हम फिर आपके लिए न्यूज़ लेकर के आएंगे। अब प्रपोजल की बात उठ रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये बड़ी बात है कि सुनने में आया है कि 7 तारीख या 8 तारीख को प्रपोजल के ऊपर भी कुछ ना कुछ आदेश जारी हो सकता है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है और आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि पीएसएल संबंधित और सभी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ को लेकर के टिप न्यूज़ आपके लिए हमेशा आगे रहता है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। जैसा कि पता है कि पिछले 4 सालों से चर्चित है ये मामला पीएसएल कंपनी का, आज 5 तारीख मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ हूँ और आज इसमें तारीख पड़ी हुई है पीएसएल वर्सेस सेबी। कल आपने देखा होगा रात 9 बजे एनडीटीवी पर रवीश कुमार बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी पीएसएल को ढाल बनाकर शारदा घोटाले की बात की, जिसमें कि 2 दिन से दंगल चल रहा है बंगाल में, जबरदस्त तरीके से सीबीआई और पुलिस में आपस में खींचतानी की नौबत आ चुकी है इस देश में। लेकिन पीएसएल का मामला जो कि 4 साल से चर्चाओं में रहे, बड़े वकील अरुण जेटली जो कि आज की तारीख में देखा जाए तो वित्त मंत्री हैं, लेकिन उनसे सीबीआई ने अभी तक पूछताछ नहीं की किसी भी प्रकार की पीएसएल मामले में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी कंपनी की जिसके मालिक हैं निर्मल सिंह भंगू, जिनको कि अरेस्ट किया जा चुका है काफी समय पहले, और जिसमें कि आरएम लोढ़ा, पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र मल लोढ़ा जी की एक कमेटी गठित कर दी गई थी 2016 में, 2 फरवरी 2016 में। लेकिन अभी तक लोढ़ा जी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि पीएसएल के जो 5 करोड़ 85 लाख निवेशक हैं, आखिर उनको पैसा कब तक मिल जाएगा। आज हम यहाँ इसीलिए यहाँ आए हुए हैं कि 5 फरवरी की तारीख पर आखिर क्या होता, क्या मिलेगा निवेशकों को न्याय, क्या उठाया जाएगा ये मुद्दा कभी इस बड़े मीडिया चैनलों पर, या सिर्फ मीडिया बड़े लोगों की दलाली करती रहेगी। तो मैं आज आपको यहां से दिखाऊंगा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, शायद या तो तारीख मिलेगी, जैसा कि बताया जाता है कि तारीख पर तारीख ही मिलती है, न्यायालय में आज तक गरीबों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है पीएसएल का। अभी 2 फरवरी से लगातार आंदोलन चल रहा है, इस देश के कई बड़े नेता जिन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, सीताराम येचुरी, शरद यादव जैसे लोग आए, उम्मीद थी कि राहुल गांधी भी आएंगे, अरविंद केजरीवाल आएंगे, लेकिन नहीं आए। आखिर क्यों नहीं आए? हो सकता है कि उनको वहां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि 4 साल से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है अपना घर बार छोड़कर, शायद उनके नाम कहीं इतने बड़े ना हो जाएं। तो मैं आज 5 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में आपको बताता रहूंगा कि आज आपके संग आखिर न्याय होगा या आपको तारीख मिलेगी पीएसएल पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेट मामले में, क्योंकि बड़ी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी कि आखिर ये भी गरीब इस देश के हैं, माननीय आदरणीय मोदी जी जो कि गरीबों के लिए आए थे, लेकिन 4 वर्ष में आखिर उन्होंने क्या किया सभी जनता के सामने है। देखते रहिएगा मुझे, एडवोकेट अमित गर्ग, धन्यवाद। हटो कैमरा प्लीज, अपने ट्राइपॉड पे, ट्राइपॉड पे प्लीज इसके लड़ जाओ, नीचे डाउन हो गया भैया, यह है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, यह सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम मीडिया वाले लोग खड़े हुए हैं, और कोई जजमेंट, कोई स्टेटमेंट देने के लिए बड़े मुद्दे पर यहाँ ये लोग कवरेज कर रहे हैं। ये लोग कवरेज करने के लिए आप देख रहे हैं किस तरह से आ रहे हैं, लेकिन पीएसएल मुद्दे पर कभी इस तरह से किसी भी बड़े वकील
ने आकर स्टेटमेंट नहीं दिया, चाहे कितने भी बड़े वकील हो। हम आपको यही बता रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ 5 फरवरी को। ये आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये वकील के संग स्टेटमेंट लिया जा रहा है तमाम मीडिया चैनलों द्वारा। माइक नीचे करो। तमाम मीडिया चैनल है, ये सुप्रीम कोर्ट का सीन है जैसा कि आप देख रहे हैं। आखिर क्यों पीएसीएल के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, क्यों आकर वकील कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं? ये बड़ी ही सोचने का विषय है, गंभीरता से सोचने का विषय, और हमें इस पर लगातार बात करनी होगी।